हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको बस एक आम से मैंगो केक बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक आम लिया है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसके छिलके को रिमूव कर लिया है। अब हम इसे चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेज में। तो ये देखिए, मैंने अपने आम को जो है वो चॉप कर लिया है। अब मैं इसे एक कढ़ाई में रख रही हूँ। आप कोई भी बर्तन, कढ़ाई या पैन यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम रखा है। और जितना मैंने आम लिया है उतनी ही चीनी ले रही हूँ, बिल्कुल उसी कटोरी से नाप कर। और अब हम इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक करेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे आम और चीनी घुल ना जाए और एक ट्रांसपेरेंट सा जेल प्रिपेयर ना हो जाए। तो इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और लो फ्लेम पर इसको प्रिपेयर करना है। तो ये देखिए, हमारा जेल जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद, ठंडा होने के बाद, ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ठीक है। अब चलिए हम केक को प्रिपेयर करने के लिए बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है और नीचे प्लेट रखा है और एक कटोरी सूजी ले रही हूँ, रवा जो होता है वो। और यहाँ पे मैं मैदा वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, बिल्कुल हेल्दी सा केक बना रही हूँ। एक कटोरी सूजी लिया है मैंने और उसमें एक चम्मच, जो नॉर्मल हमारा चम्मच होता है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, उससे एक चम्मच बेकिंग पाउडर रखा है मैंने और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा रखा है। इसे अच्छे से हम छन्नी से छान लेंगे। दूसरी तरफ एक कटोरी में मैंने आधा कटोरी, जो हमने जिस नाप से हमने सूजी लिया था उससे आधा कटोरी रिफाइंड रखा है। और यहाँ पे पाउडर शुगर मैंने अभी अभी प्रिपेयर किया है, उसका एक कटोरी लेकर छन्नी से छान ले रही हूँ। उसी प्लेट में छानना है हमें। अब वापस से हमने जो जिस बाउल में रखा है रिफाइंड, उसमें हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके रखना है हमें और उसे मिक्स भी करते रहना है। एक बार में पूरा ना डालें वरना लम्स आ जाती हैं। तो हम इसे आराम आराम से रखेंगे। अब यहाँ पर मैं रूम टेम्परेचर पर एक ग्लास, छोटे ग्लास से दूध ले रही हूँ और यहाँ वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। वनीला एसेंस के मैं 5-10 बूंद आप डालें, उससे ही हमारा टेस्ट जो है वो आ जाता है। तो वनीला एसेंस डालने के बाद अब हम इस दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसमें रखना स्टार्ट करेंगे। दूध हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा, बट बॉयल्ड दूध होना चाहिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से एकदम थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे मिक्स करना है और अच्छे से मिलाते रहना है ताकि लम्स ना पड़े। और एक बार में ही हम सारा नहीं रखेंगे, नहीं तो हो सकता है कि कंसिस्टेंसी कुछ ज़्यादा ही फ्लोइंग हो जाए। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसे डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। हमें अपने केक को बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना है। तो लगभग एक गिलास दूध इसमें यूज़ हो चुका है मिक्सचर तैयार करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमने मैंगो जेल बनाया था उसका एक चम्मच, जो करछी होती है जो हम चलाने के लिए यूज़ करते हैं थोड़ी बड़ी साइज़ की, उससे एक चम्मच मैंने इसमें रखा और इसको वापस से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे रिफाइन से। पूरे अच्छे से ग्रीस होना चाहिए ताकि हमारा केक जो है वो उसमें चिपके ना। उसके बाद हम इस पर मैदा स्प्रिंकल करके मैदा को भी चारों तरफ अच्छे से घुमा लेंगे और बस हमारा केक टिन जो है वो रेडी हो चुका है। अब चलिए हम अपने मिक्सचर को इसमें पोर करते हैं। हम अपने पूरे मिक्सचर को आराम आराम से इसमें रख देंगे। आप सब देख सकते हो कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी है, ना ज़्यादा फ्लोई है ना ज़्यादा गाढ़ी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे केक मिक्स की। तो हमने अब इसको पोर कर लिया है। अब हम इसको ओवन में रख देते हैं बेक होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप होता है। बस कढ़ाई को आप थोड़ी देर पहले प्री हीट कर ले और फिर उसमें एक छोटी सी प्लेट या फिर जाली आती है वो रख के उसके ऊपर से ये टिन डाल दे और एक ढक्कन से ढक दे। तो यहाँ पे मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए बेक किया था और मेरा केक जो है वो काफ़ी अच्छे से बन के आया था। बट अलग अलग ओवन का अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग इसको बेक कर सकते हैं। और मेरा केक जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। मैंने नाइफ से भी आप सबको करके दिखा दिया और इसकी एजेस आप देख सकते हो कितनी अच्छे से आई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे खुद से निकलने को तैयार है। तो केक बहुत ही अच्छा सा बना है, बहुत ही स्पंजी था ये। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद अब हम इसे निकालेंगे और फिर इसे डेकोरेट करेंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले एजेस को इस तरीके से कर लें। मुझे ज़रूरत नहीं थी करने के लिए क्योंकि मेरे केक के एजेस जो हैं वो पहले से ही सेपरेटेड ही थे, बट फिर भी मैंने आप सबको ऐसे करके दिखा दिया है। उसके बाद एक प्लेट लेके इस तरीके से जस्ट केक को उल्टा कर दें और ये देखिए हमारा केक टिन जो है वो कितना क्लीन है। इसी से पता चलता है कि केक जो है वो अच्छा बना है और ये काफ़ी स्पंजी है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर प्रेस किया तो टूट भी जाएगी। तो इस केक को अब हम सीधा कर लेते हैं और फिर अब इसे हम डेकोरेट करेंगे।
तो अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए वही मैंगो जेल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैंगो जेल डाल के उसको व्हिप कर सकते हैं, चॉकलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे प्रॉपर मैंगो केक ही बना रही हूँ, तो मैंने वही जेल का यूज़ किया, उसको मैंने डेकोरेशन के लिए ही बनाया था। तो इसके टॉप लेयर पे हम अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे, एक दो लेयर थोड़ा सा थिक लेयर हम इस पे रखेंगे। उसके बाद हम साइड टू साइड भी एक कोट इस पे मैंगो जेल का अप्लाई कर देंगे पूरे साइड में, पूरे केक पे। ये देखिए साइड टू साइड भी मैंने अच्छे से इसको लगा दिया, थोड़ी सी फिंगर की हेल्प से भी मैंने लगाई तो काफ़ी अच्छे से स्टिक हो रहा था, क्योंकि ये थिक भी हो चुका था बाद में। और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़े से जेम्स लगाए, अंश के पास जेम्स पड़ी थी तो मैंने सोचा वो भी लगा देती हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और बस जेम्स लगाने के बाद हमारा केक जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। आप जेम्स को स्किप भी कर सकते हैं और आराम से इसे कट करें खाए। बहुत ही स्पंजी केक बना था इस तरीके से बनाने से, बिल्कुल मेज़रमेंट सही हो और हम अच्छे से बेक करें तो हमारा केक अच्छा बनता है। तो आई होप आप सबको ये रेसिपी एक मैंगो केक पसंद आई हो, और गर्मियों में आप सब ज़रूर ट्राई करना, इसे बहुत ही टेस्टी सी बनी थी। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।